Hello students, good morning. In this video lecture we are going to study about the types of teeth and their modifications according to their diet and all the basic concepts related with the teeth. So dentition in mammals. इससे पहले का जो video lecture था उसमें हमने टीथ क्या होता है, डेंटिशन क्या होता है, टीथ के कितने टाइप्स हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं. इन पॉइंट्स पे हम लोग इसमें देखेंगे कि टीथ कितने तरह के होते हैं मैमल्स में. इंसाइजर्स, देर आर थ्री टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन एंड चीक टीथ. एंड दीज चीक टीथ्स आर प्री मोलर एंड मोलर. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसाइजर्स. इंसाइजर्स जो आपके एकदम फ्रंट में जो टीथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसाइजर टीथ. और इनका प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो अपर जो में प्रेजेंट होते हैं ये प्री मैक्सिली पे, और लोअर जो में ये डेंट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये दोनों बोन्स होती हैं जो कि इंसाइजर्स के लिए होती हैं. दीज आर द फ्रंट टीथ बोन बाय द प्री मैक्सिली इन अपर जो एंड टिप्स ऑफ डेंट्रीज इन द लोअर जो. दे आर सिंगल रूटेड मोनोकस्पिड्स एंड लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प एजेस. तो कैसे होते हैं ये, सिंगल रूट होती है, सिंगल कप होता है इनमें, कर्व्ड होते हैं एंड शार्प एजेस होती हैं इनकी. तो ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, सीजिंग, कटिंग, बाइटिंग. ठीक है, जो इनके मेन फंक्शन होते हैं वो सीजिंग, कटिंग एंड बाइटिंग. तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनका मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टीथ्स में वो प्रोमिनेंट रहेगा. आपको इंसाइजर्स में ये जो चार लाइनें हमने जो अभी पढ़ी हैं ये आपको हम याद रखनी है, किन बोन्स पे होता है, किस तरह की इनकी शेप होती है और क्या इनका फंक्शन होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएशंस क्या हैं. इंसाइजर्स जो होते हैं वो जैसे कि स्लोथ है उसमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, कुछ में ये परमानेंटली पार्शियली एब्सेंट होते हैं. जैसे कि आपके जो आर्टियोडेक्टाइल्स हैं लाइक काउज है, जिराफ है, इनमें क्या होता है कि अपर जॉ में ये एब्सेंट होते हैं. वेयर इन इंसाइजर्स ऑफ द लोअर जॉ बाइट्स अगेंस्ट ए कॉलस पैड इन द करस्पॉन्डिंग रीजन. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपर जॉ में एब्सेंट है, लोअर जॉ में प्रेजेंट है, तो पार्शियली एब्सेंट है. इंसाइजर्स आर स्मॉल इन कार्निवोरस एनिमल्स वेयर आर यूज इन अ लिमिटेड वेज. ठीक है, कार्निवोर्स में जो है मेन बेसिकली इनका ये जैसे कटिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, ये आपके जो है वो हर्बीवोर्स एक्टिविटी से रिलेटेड है. कार्निवोर्स में जो है टेयरिंग ऑफ फ्लैश और ये इन सब के लिए आपके कैनाइंस डेवलप्ड होते हैं. तो एज सच कार्निवोर्स में इंसाइजर्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं. इंसाइजर्स आर स्मॉल इन कार्निवोर्स एनिमल लाइक कैट, टाइगर, डॉग, वेयर दे आर यूज इन लिमिटेड वे. इन द इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स अपर एंड लोअर इंसाइजर्स आर इलोंगेटेड एंड वर्क लाइक अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स टू कैच द होल्ड ऑफ द एक्टिविटी एक्टिव प्रे. जो जो इंसेक्टिवोर्स होते हैं एनिमल्स होते हैं उनमें ये कैसे होते हैं, फोर्सेप्स के जैसे होते हैं जो कि होल्डिंग में काम आते हैं. रोडेंट्स की अगर हम बात करें, स्क्विरल एंड रैट एंड लेगमॉफ जिसमें हेयर एंड रैबिट आते हैं आपके, इंसाइजर्स अज्यूम ग्रेट फंक्शनल इंपॉर्टेंस इन दैट दे आर कॉन्स्टेंटली यूज फॉर ग्नाइंग एट हार्ड वेजिटेबल मैटर. हमने जो इसका पुराना जो पार्ट वन वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि ओपन रूटेड एंड क्लोज रूटेड टीथ क्या होते हैं. तो यहाँ पे जो इंसाइजर्स होते हैं रोडेंट्स में एंड लैगमॉफ में, ये कैसे होते हैं, ओपन रूटेड इंसाइजर टीथ होते हैं. यानी यहाँ पे इंसाइजर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस ग्रो करते हैं. कंटिन्यूशन ग्रो के लिए इन एनिमल्स की जो हैबिट होती है वो कंटिन्यूस कुछ ग्नो करने की होती है. ग्नोइंग एनिमल्स भी हम इनको कहते हैं. तो वो लगातार कुछ कुछ कुतरते रहते हैं और वो उनकी जो ये कंटिन्यूस इंक्रीजिंग जो कैपेबिलिटी है इनके टीथ की उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो लगातार कुछ ना कुछ अपने कुछ कुतरते रहें, कुछ ग्नोइंग ग्नोइंग कहते हैं इस तरह के एनिमल्स को. तो ये ग्नोइंग इंसाइजर्स ऑफ सच एनिमल्स आर रूटलेस एंड कैन देयर फॉर ग्रो थ्रू आउट द लाइफ देयर बाय कंपेंसेटिंग फॉर रैपिड वियर. इन सच केस ओनली एंटीरियर सर्फेस ऑफ इंसाइजर्स इज कवर्ड विद एन एनामल. तो इसमें जो एंटीरियर सर्फेस होती है वही एनामल से कवर्ड रहती है, एनामल हटता रहता है और नया जो है वो टीथ ग्रो करता रहता है. तो ये हमने किस में देखा, इंसाइजर्स जो होते हैं स्लॉथ में कंप्लीटली एबसेंट हैं, आर्टियोडेक्टाइल्स में पार्शली एबसेंट हैं जिसमें लोअर जॉ में एबसेंट होते हैं, और आपके हमने देखे रोडेंट्स में देखे, लैगमॉफ में देखे. इंसाइजर्स ऑफ द टू जॉज अपोज इच अदर एंड आर कैप्ट शार्प
by wetting against each other. Since the denting wear away more rapidly than harder animals, the tusks of the elephant also are rootless incisors. In some elephant, enormous curved टस्क मेजर अबाउट 11 1/2। तो आपके जो लोफोडोंट होते हैं, जो लॉक्सोडोंट, जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो आपको टीथ नजर आते हैं बाहर की तरफ, वो भी कैसे होते हैं, ओपन रूटेड होते हैं, दे आर द इंसाइजर्स। ठीक है, और टस्क आर कंपोज ऑफ द हार्ड डेंटाइन एक्सेप्ट फॉर द टेम्पररी कैप ऑफ एनामल दैट लेमर इंसाइजर्स आर डेंटिकुलेटेड लाइक। लीमर जो होता है उसमें क्या होते हैं, वो उनमें जो इंसाइजर्स होते हैं वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी फर को क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये हमने इंसाइजर्स के मॉडिफिकेशन देखे। इसके बाद हम देखते हैं कैनाइंस। तो कैनाइंस मैमल्स में, अगर हम ह्यूमंस का देखते हैं केस, तो एक कैनाइन प्रेजेंट होता है। 3143 इनका फॉर्मूला हम देखेंगे, डेंटल फॉर्मूला। कैनाइंस आर प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, दे आर ऑलवेज हैव कॉनिकल पॉइंटेड इलोंगेटेड सिंगल रूटेड क्राउन एंड आर यूज फॉर पर्सिंग एंड टियरिंग। सिंगल कैनाइन टूथ अकर्स इन ईच हाफ ऑफ ईच जॉ जस्ट आउटसाइड द इंसाइजर्स। तो इंसाइजर्स के पास में होते हैं, और कितने होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक उसमें अपर, अगर आप ऊपर अपर जॉ देखें या लोअर जॉ देखें। अपर कैनाइन आर द फर्स्ट टीथ ऑन द मैक्सिला। इन कार्निवर्स एनिमल्स कैनाइन टीथ अज्यूम ग्रेट फंक्शनल इंपॉर्टेंस। तो कैनाइंस में जो इनका जो मेन फंक्शन होता है फ्लैश की टेयरिंग वगैरह का, तो उसके लिए कैनाइंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। इन सच एनिमल दे टेंड टू बिकम लार्जर एंड मच स्ट्रांगर टू सर्व एन एफिशिएंट ऑर्गन फॉर पर्सिंग एंड टेयरिंग द फ्लैश ऑफ द प्रे। इन वॉलरस यूजुअली अपर कैनाइन डेवलप इंटू इनॉर्मस ऑफेंसिव टास्क। तो यहाँ पे वॉलरसेस जो होते हैं उसमें कौन सा होता है, अपर कैनाइन होता है। अपर कैनाइन सर्व एज अ टस्क, ठीक है, ये ऑफेंसिव होता है। जबकि आपके एलिफेंट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं एज अ टस्क। ये डिफरेंस है जो हमें पता चाहिए, दोनों में टस्क जो है वो डिफरेंट है। इन द हर्बीवोरस एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैनाइंस आर ऑफ रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एंड इफ दे प्रेजेंट दे आर मच लेस डेवलप देन दोज ऑफ द कार्निवोर्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स में आपके कैनाइंस जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं या एबसेंट होते हैं। कुछ आपके जो आर्टियोडेक्टाइल्स हैं लाइक काउ एंड जिराफ, द कैनाइन आर एबसेंट ओनली इन द अपर जॉ एंड दे आर इंटायरली एबसेंट इन बोथ जो ऑल रोडेंट्स, रैट, एलिफेंट, डुगोंग, ये फिश लाइक मैमल्स हैं, आपके एक्वाटिक मैमल्स हैं डुगोंग, उनमें क्या होते हैं, कैनाइंस कंप्लीटली एबसेंट होते हैं। तो इनकी जगह पे एक स्पेस प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज डायस्टेमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कार्निवोर्स का स्ट्रक्चर देखा, कार्निवोर्स का फंक्शन देखा, सॉरी मैं कैनाइंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा, उनकी प्लेस देखी। अपर कैनाइन जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट मैगजिली पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कैनाइंस आर द फर्स्ट टीथ ऑन मैगजिली। इसके बाद में हमने ये देखा कि कैनाइंस कार्निवोर्स में क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके अलावा हर्बीवोर्स में क्या इनका स्टेटस रहता है, एंड देन हमने इनका रोडेंट्स में देखा जिसमें ये कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं और पार्शली एबसेंट होते हैं ये आर्टियोडेक्टाइल्स में। तो आर्टियोडेक्टाइल्स जो हैं आपके या कैटल्स जो हैं उसमें आपके इंसाइजर्स और कैनाइंस दोनों ही अपर जॉ में एबसेंट होते हैं, ओनली इन अपर जॉ, लोअर जॉ में ये प्रेजेंट होते हैं। इन मेल ऑफ सम फॉर्म्स एप्स एंड द कैनाइंस आर ऑल्सो द फर्स्ट मोलर आर डिसाइडेडली लार्ज देन दोज ऑफ द फीमेल्स। द टस्क ऑफ मेल बोर आर ग्रेटली डेवलप्ड कैनाइन विद लार्ज परसिस्टेंट पल्प कैविटी। इन अदर फॉर्म्स सच एज मस्क डियर द कैनाइन आर प्रेजेंट ओनली इन द अपर जॉ ऑफ मेल। इट मे बी सेड दैट द मेल एनिमल एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू द डेंटिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में डेंटिशन जो है वो अलग अलग है, तो ये आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी हेल्प करता है। कैनाइंस आर एबसेंट इन सम हर्बीवोर्स सच एज रोडेंट्स, लेगमॉर्फ, रैबिट एंड सम अनगुलेट्स लाइक हॉक्स, लीविंग ए वाइड टूथ लेस स्पेस कॉल्ड डायस्टेमा। टीथ जो है आपके प्री मोलर एंड मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स जो हैं ये आपके कैनाइंस के बाद प्रेजेंट होते हैं और मैगजिली पे प्रेजेंट होते हैं। बोथ टाइप आर कलेक्टिवली कॉल्ड चीक टीथ।
दीज क्राउन हैव ब्रॉड सरफेस विद रिज एंड ट्यूबरकल्स मेंट फॉर क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग. तो आपका कैनाइन का फंक्शन अलग है, इंसाइजस का फंक्शन अलग है, प्री मोलर और मोलर का फंक्शन अलग है. प्री मोलर यूजली हैव टू रूट एंड टू कप्स एंड आर रिप्रेजेंटेड इन द मिल्क डेंटिशन. तो मिल्क डेंटिशन में आपके प्री मोलर्स आते हैं, लेकिन मोलर्स जो होते हैं वो जनरली नहीं आते हैं. तो मोलर्स जनरली हैव मोर देन टू रूट्स एंड सेवरल कप्स एंड डू नॉट हैव मिल्क प्रेसिडस. आपके मिल्क क्वालिटी नहीं, परमानेंट होते हैं डायरेक्टली. तो हम कह सकते हैं कि मिल्क टीथ जो होते हैं हमेशा परमानेंट टीथ से नंबर में कम होते हैं. चीक टीथ्स ऑफ द और द ग्राइंडिंग टीथ आर द टीथ विच शो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन देयर फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर. दिस इज शोन बाय द वेराइटी ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ कप्स एंड रिजेस एट द अपेक्स ऑफ क्राउन. द नंबर ऑफ कप्स ऑफ ए चीक टीथ मे वेरी फ्रॉम वन टू मैनी. इनके नंबर में भी डिफरेंस है, आप इसमें नंबर्स में वेरिएशंस देखने को मिलता है. इन कार्निवोर्स द लास्ट प्री मोलर इन अपर जॉ एंड द फर्स्ट मोलर इन द लोअर जॉ. ठीक है, लास्ट प्री मोलर इन अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलर इन द लोअर जॉ मे हैव वेरी शार्प कप फॉर क्रैकिंग बोन्स एंड शेयरिंग टेंडन्स. दीज आर कॉल्ड क्रेंजियल टीथ. तो आपको इन शॉर्ट पूछा जा सकता है कि क्रेंजियल टीथ क्या होते हैं. तो लास्ट प्री मोलर एंड फर्स्ट मोलर इन द लोअर जॉ. इन लेमरस फर्स्ट प्री मोलर आर लाइक केनाइन. इन क्रैब इन ईटर सील मोलर वी आर डेंटिकुलेटेड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेन प्लैंकटन्स. इन हायर प्राइमेट्स लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ. इट्स एम्पशन मे बी डिलेड और इट्स इम्परफेक्टली फॉर्म्ड और एबसेंट इन मैन. टाइप्स कितने टाइप के होते हैं चीक टीथ, ये हम देख लेते हैं. ट्राइकोडोन जिसमें थ्री कॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन और लीनियर सीरीज होती हैं. ट्राइबर्कुलेटेड जिसमें क्या होता है, तीन कॉन्स होते हैं, ट्रिबिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्यूनोडोंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें मिक्सड डाइट जिनकी प्रेजेंट होती है. मिक्सड डाइट में मैन मंकी पिग दे आर क्राउन बी आर स्मॉल सेपरेट ब्लंट एंड राउंडेड ट्रिबिकल मेंट फॉर क्रशिंग. तो ब्यूनोडोंट ट्रीट जो होते हैं रिलेटेड विद द मिक्सड डाइट. इकोडोंट जो होते हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स एंड इंसेक्टिवोर्स मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये आपके टीयरिंग और कटिंग फ्लैश में काम आते हैं. सेलिनोडोंट जो होते हैं ये आपके ग्राइंडिंग इन हर्बीवोर्स रूमिनेंट मैमल्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक काउ हॉर्स एंड अदर्स. इन विच चीक टीथ हैव वर्टिकल क्रिसेंटिक शेप्ड फोल्ड ऑफ हार्ड एनामल इनक्लोजिंग सॉफ्ट एरियाज ऑफ द डेंटाइन विद सीमेंट फिलिंग इंट्रेंसी. नॉर्मल लो क्राउंड सेलिनोडोंट टीथ विथ शॉर्ट रूट आर टर्म्ड एज ब्रेंकियोडोंट. ठीक है, लार्ज ग्रेजी मैमल्स सच एज हॉर्स एंड कैटल्स टीथ जो होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, प्रिज्म शेप्ड होते हैं एंड हाई क्राउन होती हैं. दीज कंडीशन आर ऑल्सो नोन एज हिप्सोडोंट. इसके बाद में आपके लोफोडोंट कंडीशन होती है जो कि आपके ये प्रेजेंट होती है लोफोडोंट्स में, जिसमें आपके एलिफेंट्स वगैरह आते हैं. दिस कंडीशन इज फाउंड इन एलिफेंट विच फीड ऑन वेरी हार्ड वेजिटेबल मैटर एंड नॉर्मसली ग्राइंडिंग टीथ आर प्रेजेंट. तो इसमें क्या होता है, आपके केनाइंस जो होते हैं वो सॉरी इंसाइजर्स जो होते हैं वो टस्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सिंगल लार्ज लोफोडोंट जो होती है मे बी प्रेजेंट वन टाइम इन ईच हाफ लोफ ईच जो. दीज आर एडॉप्टेड फॉर द ग्राइंड ऑल सॉर्ट ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस के लिए भी होते हैं. इन एलिफेंट एज वेल एज मैनी टी देर इज अ कॉन्स्टेंट सक्सेशन ऑफ टीथ फ्रॉम बिहाइंड थ्रू उट द लाइफ कंटिन्यूस. एक आपके किसी तरह से वियर ऑफ हुआ है उसकी जगह पे दूसरे आ जाता है. द फ्रंट वन आर पुश्ड फॉरवर्ड एंड दैट आर शेड एज न्यू वन फॉर्म बिहाइंड. तो ये आपकी कंडीशन क्या होती है, पॉलीफायोडोंट वाली कंडीशन होती है. वन फॉर्म फुल्ली डेवलप्ड टूथ इज प्रेजेंट एट वन टाइम ऑन ईच साइड ऑफ द ईच जॉ. ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कि कुछ जो सेलिनोडोंट एंड ब्यूनोडोंट जो थे मिक्स्ड एंड सच टीथ आर ब्यूनोसेलिनोडोंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो मिक्स्ड डाइट के साथ में है सच टीथ भी जो होते हैं उनके मिक्स हो जाते हैं. फंक्शनल एडेप्टेशन ऑफ द डेंटिशन ऑफ सम मैमल्स सच एज ऑरिंथोरिंकस डकबिल्ड प्लेटिपस एंड सिटेशिया डाइवर्स स्पेशल मेंशंस. इन ऑरिंथोरिंकस ट्रू टीथ जो होते हैं वो कंप्लीटली एबसेंट होते हैं और उनकी जगह पर देयर प्लेसेस आर टेकन बाय द हॉर्नी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं विच आर सुटेड फॉर द क्रशिंग द प्रे अलॉन्ग अमंग द लिविंग सिटेशिया कॉलोनियल कॉनिकल कैल्सिफाइड होमोडोंट टीथ आर प्रेजेंट ओनली इन द टूथ वेल और डेंटोसिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो आपने कहा ऑरिंथोरिंकस में टीथ नहीं होते हैं लेकिन टीथ की जगह पे कुछ क्रशिंग के लिए यहाँ पे प्लेट्स प्रेजेंट होती है, हॉर्नी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं.
स्पर्म व्हेल जो होती हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द लोअर जॉ बट आर नॉट लॉक्ड इन द सॉकेट बट सेट इन ग्रूव्स ग्रूव्स में प्रेजेंट होते हैं यानी थीकोडॉन टाइप के टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. इन द डॉल्फिन न्यूमरस होमोडॉन टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ जॉ. इन दीज टू सिटेशियंस विच फीड मेनली ऑन द फिशेज टीथ आर रिकवर्ड. ठीक है, इस तरह से कर्व्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं उसको होल्ड करने का काम करते हैं. बट इन एडल्ट वेल वन वेन जो होती है वहाँ पे क्या होता है एक बेलीन प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि फिल्टरिंग के काम में आती है प्लैंकटन की. डेंटल फॉर्मूला क्या होता है अरेंजमेंट. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमिलियन डेंटिशन इज दैट नंबर ऑफ टीथ इन एनी पर्टिकुलर स्पीशीज इज सो सरप्राइजिंगली कॉन्स्टेंट दैट इज कंसिडर ऑफ टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो डेंटिशन जो है यह आपका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का. आप यहाँ पे देखेंगे बोथ जो कंटेन्स सिमिलर हाफ एंड वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी टीथ जो है उसके किसी भी जॉ की बात कर लीजिए अपर जॉ या लोअर जॉ तो वन एक जॉ जो है वो टू हाफ से मिलके बना होता है. इन ईच हाफ हैव सिमिलर टाइप ऑफ नंबर ऑफ टीथ. तो डेंटल फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड इज रिटन अबव अ लाइन व्हाइल द नंबर ऑफ टीथ ऑफ वन हाफ ऑफ द लोअर जॉ इज रिटन बिलो द लाइन. तो यहाँ पे हमने जो ऊपर अपर लाइन में हम लोगों ने अपर जॉ के नंबर लिए हैं वन हाफ और उसी हाफ के हमने लोअर जॉ के नंबर लिए हैं. तो यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर इंसाइजर सी स्टैंड्स फॉर केनाइन पी एम स्टैंड्स फॉर प्री मोलर एंड एम स्टैंड्स फॉर मोलर. तो इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ को स्पेसिफिकली किया है जो कि एक स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमेना है. टिपिकल जो मैमल्स होते हैं उसमें 44 टीथ प्रेजेंट होते हैं. इसको हम कह सकते हैं 3 1 4 3 थ्री इंसाइजर्स वन केनाइन फोर प्री मोलर एंड थ्री मोलर. तो ये टोटल मिलके बन गए आपके 44. इसी तरह से आपके डॉग कैट रैक इनके दिए हुए हैं आपको पूछा जा सकता है किसी का भी लेकिन आपको मैम मैन का तो याद होना चाहिए. 2 1 2 3 जो होता है वो मैन का होता है. 32 टीथ होते हैं हमारे में. ठीक है 2 1 2 3 लेकिन एक टिपिकल जो मैमिलियन डेंटिशन है वो आपको पता होना चाहिए 3 1 4 3. अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन किस किस तरह से हैं इनकी डाइट के बेस पे. तो हर्बीवोर्स जो है उनमें आपको कुछ अलग तरह का देखने को मिलेगा. अभी हमने सभी तरह के टीथ के टाइप्स को भी स्टडी किया है. तो हर्बीवोर्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे कैनाइंस मोस्टली एब्सेंट होते हैं इंसाइजर्स प्रेजेंट होते हैं डेवलप्ड होते हैं इवन एंड प्री मोलर मोलर्स प्रेजेंट. ये एक जनरल हमारे मन में आइडिया है कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा. अब इनमें क्या वेरिएशन होते हैं ये हम देखते हैं. हर्बीवोर्स इंक्लूड ऑक्सन शीप गोट डियर एंटीलोप कैमल रूटेंट एलिफेंट एंड नंबर ऑफ अनइवन टोड मैमल्स. तो जो आपके आर्टियोडेक्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं अनइवन टोड मैमल्स होते हैं. देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मेनली ग्रासेस एंड प्लांट मटेरियल व्हिच रिक्वायर लॉन्ग मैस्टिकेशन फॉर डाइजेशन. क्योंकि आपके क्या होता है इनमें जो प्लांट ग्रासेस होती हैं इनमें क्या होता है सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है. इन आर्टियोडेक्टाइल्स द ग्राइंडिंग टीथ पजेस ब्रॉड क्राउन कॉम्प्लिकेटेड रिजेस एंड फोल्ड ऑफ द हार्ड एनामल. ठीक है प्रीमोलर्स आर नॉट यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस. तो ग्राइंडिंग के लिए इनमें क्या होता है हेप्सोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सेलेक्टिव ग्राइंडिंग सर्फेस इज मेंटेन्ड बाय द परसिस्टेंस ऑफ हार्डर एनामल. एनामल भी कैसा होता है इनका हार्डर होता है. रोडेंट्स में कैनाइन एब्सेंट होते हैं ओनली इंसाइजर्स आर यूज्ड फॉर द ग्नॉइंग स्क्रैपिंग एंड निबलिंग. इंसाइजर्स जो होते हैं शार्प होते हैं एंड चीजल शेप्ड होते हैं यूज फॉर कटिंग पर्पजेज. एनामल्स एब्सेंट होते हैं ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ इंसाइजर्स एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी ऑफ इंसाइजर्स बियर क्विकली. इंसाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद रिपर्सिस्टेंट ओपन रूट थ्रू आउट द लाइफ. रोडेंट्स की स्पेसिफिकली रोडेंट्स में कैसे होते हैं ओपन रूटेड इंसाइजर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस ग्रो करते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते हैं ग्नोइंग एनिमल्स कहते हैं. दे हैव थ्री मोलर्स और द ग्राइंडर ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ. The cups of the broad surface of the molar are jointed in pair of the to form the ridges. Elephant have lost all the canine teeth and all the incisors except the second pair in the upper jaw which have developed into tusk. ठीक है तो इसमें second pair of incisors होता है वो आपके tusk का formation करता है. लेकिन हम देखते हैं elephant का आप ये देखेंगे dental formula तो इसमें एक incisor है canine and premolars are totally absent और molar present है. ठीक है तो इसमें आपको सिर्फ upper jaw में एक incisor देखने को मिल रहा है. ये जो एक pair है incisors का दोनों half में upper jaw के दोनों half में ये क्या होते हैं tusk का formation करते हैं. इसके अलावा आप देखेंगे lower jaw में canine
इंसाइजर, केनाइन एंड प्री मोलर ऑल आर एबसेंट, ओनली मोलर्स आर प्रेजेंट, एंड अपर जॉ में सिर्फ केनाइन इंसाइजर आपका प्रेजेंट है वन पेयर, एंड देट गेट कन्वर्टेड इन टू द आपके टस्क, टस्क में कन्वर्टेड रहते हैं। द सर्फेस ऑफ मोलर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ डीप प्लेटेड्स, ठीक है। तो ये हम जब हम जो हमने डिफरेंट टाइप के टीथ्स की बात की थी प्री मोलर एंड मोलर में, चीक टीथ्स में ब्यूनोडोंट, हिप्सोडोंट, लोफोडोंट, और ये इन सब के आपको जब एग्जाम्पल्स याद होंगे तो आप वहाँ यहाँ इनको प्लेस करके और बहुत अच्छे से इसको अटेंड कर सकते हैं। Horses, all the cheek teeth are hypsodont with crescentic shaped cups. Cups known as selenodont used for the grinding purposes. The enamel, dentine and cement of the cheek teeth wear a different rate, leaving a rough surface for grinding the grasses. Carnivores animals को अगर हम देखते हैं, the canine are large shaped and pointed which are used for the tearing purposes and incisors are pursed into the body of the victim. पर्सिंग के लिए काम में आते हैं आपके इंसाइजर्स, एंड कार्निवोर्स होते हैं फ्लैशिंग में काम आते हैं। लास्ट अपर प्री मोलर एंड द फर्स्ट लोअर मोलर आर डेवलप्ड इनटू द क्रेनियल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेनियल टीथ। ये भी आपके कार्निवोर्स की स्पेशलिटी है। देन ओमनीवोरस हैबिट, ओमनीवोरस हैव मिक्स्ड डाइट, तो उसमें कौन से टाइप के टीथ होते हैं, ब्यूनोडोन टाइप के होते हैं। मैनी मैमल्स इंक्लूडिंग मंकी, मैन, ट्रू साइवेट्स फॉल इन दिस ग्रुप। Cheek teeth of this mammal are bunodont. The cups of the cheek teeth remain separate and rounded in shape. ठीक है, तो ये आप इनमें cups and उनके roots की बात हुई। Aquatic mammals. Among the mammals, cetacean, pinned and sea cow are aquatic. The sea cows have teeth which are greatly reduced in size. Aquatic animals में भी आपके अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ग्रेजर एंड टीथ आर लिटिल यूज, द वेल डेवलप्ड लिप्स आर फाउंड इन द ग्रेजिंग पर्पजेस। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था बेलिन प्लेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेलिन बॉल में मिस्ट्रिसिटी और डेंटोसिटी, ये दो तरह के इसमें ग्रुप्स होते हैं जो सिटेशियंस होते हैं। टूथ वेल्स होते हैं हैव ब्यूनोडोन होमोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन, जो टूथ वेल्स होते हैं, एंड द टीथ आर होल्ड टू होल्ड द प्रे। वेल बॉर्न वेन मिस्ट्रिसिटी टीथ आर कम्प्लीटली एबसेंट, इंस्टेड ट्रांसवर्ली अरेंज ट्राइंगुलर प्लेट जो प्रेजेंट होती हैं वो इनकी फिल्टरिंग में काम आती हैं क्योंकि ये प्लैंक्टनिक फीडर्स होते हैं। अनयूजुअल टाइप ऑफ टीथ इन मैमल्स में हम बात करेंगे एलिफेंट टस्क, ये हमने देखा। एलिफेंट टस्क आर सेकेंड पेयर ऑफ इंसाइजर इन अपर जो के बने होते हैं, लोअर इंसाइजर कम्प्लीटली एबसेंट। द टस्क आर मेड ऑफ आइवरी विच इज स्पेशलाइज डेंटाइन, तो टस्क जो है ये किसके बने हुए होते हैं, स्पेशलाइज डेंटाइन दैट इज नोन एज आइवरी। अपर इंसाइजर्स हैव नो रूट एंड दे ग्रो टू फॉर्म टस्क, and both the sexes of African elephant have tusk but in Indian only male bear tusk. तो जो आपके बंगाल वगैरह में जो टाइगर मिलते हैं, एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं उसमें सिर्फ आपके मेल में टस्क होते हैं। टस्क आर यूज इन ऑफेंस एंड डिफेंस। बिग पिक्स के जो टस्क होते हैं इसमें आपके कैनाइंस जो होते हैं वो बनाते हैं, और बार्किंग डियर टस्क जो होते हैं इसमें आपके अपर कैनाइन के बने हुए होते हैं, एंड वॉलरस में हमने देखा था मॉडिफाइड अपर कैनाइंस। ठीक है, तो इंसाइजर्स जो हैं आपके इंसाइजर्स में जो टस्क बन रहे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स में बन रहे हैं। बाकी पिग्मे, बार्किंग डियर्स में, वॉलरस में आपके कैनाइंस जो हैं वो टस्क बनाते हैं। एबसेंस ऑफ टीथ, टीथ आर प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, सेकेंडरी टूथलेस कंडीशन इज फाउंड इन सम मैमल्स। ऑरिंथोरिंकस जो के हैं बी एस एपिडर्मल टीथ, नो ट्रू टीथ आर प्रेजेंट। प्लेटिपस एम्ब्रियोनिक टीथ आर रिप्लेस बाय द हॉर्नी, तो यहाँ पे हम कहेंगे सेकेंडरली अडेप्टेड हुए। इन एकिडना स्पाइनी एंटीटा टैकीग्लॉसिस टीथ आर कम्प्लीटली एबसेंट इन ऑल स्टेजेस इन लाइफ ऑफ लाइफ। सर्टन एंड इंटर्स लाइक मिर्कोमैकोफागा एंड इन एडल्ट बेलिन राइट वेल, इन सब में क्या होते हैं, टीथ एबसेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न द थिंग्स। आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, किस एग्जाम्पल की क्या स्पेशलिटी है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, टाइप, वेरिएशन किस तरह से बदल रहे हैं, ये आपको समझना है और याद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।